Hello students, my name is Ajay Prajapati and I am from BCom Accounting and Finance Department. So before we start, we are going to discuss what we have discussed in the last lecture. We have started network topologies, if you remember. So last lecture में हमने दो topologies देख ली थी. First one is a bus topology and second one is ring topology. So before we start, we are going to see that again. Yeah, here. So first one is your bus topology. Bus topology में means mostly क्या होता है कि एक स्ट्रेट केबल होता है और उसी से आपके सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और उसी केबल के थ्रू सारे डिवाइस में जो आपका नेटवर्क है वो पास ऑन होता है. ओके, नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजीज. तो उसमें क्या है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो हमने डिस्कस किए थे. रिलायबल एंड वेरी स्मॉल नेटवर्क एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़. रिलायबल है, समझने के लिए भी ईजी है और यूज़ करने के लिए भी ईजी है. रिपीटर्स कैन बी यूज टू एक्सटेंड द बस नेटवर्क. बस नेटवर्क को अगर आपको यूज़ करना हो तो एक नेटवर्क हार्डवेयर यूज़ करते हैं जिसका नाम है रिपीटर. फेलियर ऑफ एनी नॉड डज नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क. अगर कोई भी नॉड या मतलब कंप्यूटर यहाँ पर वर्क करने से फेल हो जाता या फिर वर्क नहीं कर पाता तो वो पूरे नेटवर्क को डैमेज नहीं कर पाता. सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. हैवी नेटवर्क ट्रैफिक कैन स्लो अ बस नेटवर्क. अगर आपका यूज़ ज़्यादा रहेगा जहाँ पर नेटवर्क ट्रैफिक ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा यूज़ है नेटवर्क पर, लोड आ रहा है, तो उस समय पर आपका बस नेटवर्क या फिर बस टोपोलॉजी जो है वो स्लो हो सकती है. इफ़ द मेन केबल फेल्स द होल नेटवर्क डैमेजेस. मेन केबल यू कैन सी ओवर हियर, जिससे सारे नॉट्स कनेक्टेड होते हैं, अगर वही फेल हो जाए, मतलब उससे ही जिससे सभी को नेटवर्क मिल रहा है और वही केबल अगर फेल हो जाए नेटवर्क प्रोवाइड करने में, तो सभी नोड में से नेटवर्क चला जाएगा. फेलियर ऑफ मेन कंप्यूटर सर्वर विल ब्रिंग डाउन द इंटायर नेटवर्क. अगर आपका मेन कंप्यूटर ही वर्क नहीं करा तो पूरा नेटवर्क आपका जो है वो बंद हो जाएगा. सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी. एंड ऑल्सो वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर इज रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, जिसमें एक कंप्यूटर डिवाइस दूसरे दो कंप्यूटर डिवाइस से कनेक्ट होता है और वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक छोटी सी रिंग बन जाती है. सो इट इज़ अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिंग टोपोलॉजी. इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होता है. लेस केबल कॉस्ट एज यू कैन सी इन दिस इमेज. लेस केबल कॉस्ट बिकॉज इसमें केबल का यूज़ बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी, जिसमें एक बड़ी सी केबल लगती है और जिससे बाकी के नॉट्स जो है वो कनेक्ट किया जाता है. रिंग टोपोलॉजी में वैसा नहीं होता. रिंग नेटवर्क्स आर इजीली एक्सटेंडेबल, जिससे आप एक्सटेंड कर सकते हो. न्यू नॉट चाहे तो आप उसमें कनेक्ट इजीली कर सकते हो. ऑफर्स हाई परफॉर्मेंस फॉर स्मॉल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन. जहाँ पर स्मॉल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन होंगे उसमें परफॉर्म अच्छा होगा, क्योंकि अगर कंप्यूटर कम है तो नेटवर्क ट्रैफिक भी कम होगा और अगर नेटवर्क ट्रैफिकिंग कम है तो आपका कंप्यूटर का वर्क अच्छे से हो सकता है उसमें. सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिसएडवांटेजेस. फेलियर ऑफ एनी नॉड विल डैमेज द होल नेटवर्क. अगर यहाँ पर एक भी डिवाइस वर्क नहीं करता तो बाकी के डिवाइसेस को नेटवर्क नहीं मिलेगा और इसी वजह से वो डिवाइस वर्क नहीं करेंगे. डेटा हैज़ टू ट्रैवल थ्रू एवरी कंप्यूटर थ्रू ट्रांसमिशन लाइन. अगर आपको डिवाइस वन से डिवाइस फाइव में कुछ शेयर करना हो तो उसे डिवाइस वन टू थ्री और फोर से ट्रैवल करके फाइव तक जाना होगा, नहीं तो एटलीस्ट उसे डिवाइस सिक्स से ट्रैवल करके फिफ्थ तक पहुँचना होगा, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है. इट इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू इंस्टॉल. तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और उसको इंस्टॉल करने में भी थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है. सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी. और इससे पहले हमने देखा था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी क्या होता है वो हम अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्टार टोपोलॉजी. ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब. नॉट्स कम्युनिकेट अक्रॉस द नेटवर्क बाय पासिंग डेटा थ्रू द हब और स्विच. तो आप जैसे कि यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कि जो भी डिवाइसेज या फिर नॉट्स कंप्यूटर डिवाइसेज जो है वो एक नेटवर्किंग हार्डवेयर से कनेक्ट है जिसे हम कहते हैं हब. ओके, तो अगर आपको कोई भी डेटा शेयर करना होगा तो उसे हब के थ्रू जाना होगा. जैसे कि हमने लास्ट टोपोलॉजी में देखा था रिंग टोपोलॉजी में, कि अगर आपको एक डिवाइस से दूसरे या तीसरे डिवाइस पे कोई डेटा शेयर करना है तो उसे बाकी के डिवाइस के थ्रू जाना पड़ता था. लेकिन इसमें कैसा है स्टार टोपोलॉजी में, कि अगर आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में नेटवर्क कोई डेटा शेयर करना है तो उसे हब के थ्रू पास ऑन होकर जाना पड़ता है.
Okay, so this is a star topology, and now we are going to discuss the advantages and disadvantages of star topology. First, advantages: it is easy to add and remove nodes because it is connected with one central hub. A node failure does not bring the entire network down. जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर कोई भी नॉड फेल होता है तो वो एंटायर नेटवर्क डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर हर एक डिवाइस जो है हब से कनेक्टेड है. इट इज इजी टू डायग्नोज एंड ट्रबल शूट नेटवर्क प्रॉब्लम थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर. अगर कोई भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम होता है तो उसे डायग्नोज करना बहुत ही ईजी होता है, एज ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ वन सेंट्रल डिवाइस विच इज नोन एज हब. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी. फेलियर ऑफ अ कंप्यूटर सर्वर विल ब्रिंग द एंटायर नेटवर्क डाउन. अगर इसमें आपका जो मेन कंप्यूटर है, जिसे हम सर्वर भी कहते हैं, अगर वो फेल होता है तभी आपका पूरा नेटवर्क जो है डाउन या फिर खत्म हो सकता है. नेक्स्ट वन इज एज एवरी नॉड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंप्यूटर द केबल कॉस्ट इज मोर. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर एक आपका जो डिवाइस है वो एक सेंट्रल नेटवर्क सेंट्रल नेटवर्क हार्डवेयर नेटवर्किंग हार्डवेयर जिसे हम कहते हैं हब, उससे कनेक्टेड है. तो इसीलिए अगर हमारा हब ही फेल हो जाता है तो पूरे कंप्यूटर भी बंद हो सकते हैं. लेकिन अगर आपको एक डिवाइस भी हब से कनेक्ट करना है तो उसके लिए उस डिवाइस को हब से इंडिविजुअली आपको कनेक्ट करना पड़ेगा. मतलब अगर एक डिवाइस आपका दूसरे रूम में है और आपका हब जो है वो दूसरे रूम में है, या फिर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ ज़्यादा है, तो भी आपको वो डिवाइस करने के लिए उतने बड़े केबल का यूज़ करना पड़ेगा. वो हो गया सिर्फ एक डिवाइस के लिए. ऐसे ही समझो आपके पास 10 डिवाइसेस है, उन सारे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए उतना लॉन्ग केबल आपको यूज़ करना होगा. तो इसीलिए आपका केबल कॉस्ट जो है इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली बढ़ जाता है. सो ये थे आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी विच इज़ अ मेश टोपोलॉजी. Each host has its connection to all other hosts. Mesh topology is implemented to provide as much protection as possible from interruption of services. तो यहाँ पर आप जो image share की गई है उसमें आप देख सकते हो कि हर एक device एक दूसरे device से connected है. पहले अगर आप देखोगे तो just kind of a ring topology है, एक डिवाइस दूसरे दो डिवाइसेस से कनेक्टेड है. बट अगर उसके बीच में से आप देखोगे तो जो फर्स्ट डिवाइस है वो फिफ्थ या सिक्स डिवाइस से कनेक्टेड है. मतलब जो भी डिवाइस रिंग टोपोलॉजी के उसमें कनेक्ट नहीं हो रहे वो एक इंडिविजुअल केबल के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट किए गए हैं. ओके, सो यू कैन सी दिस इमेज एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, क्योंकि बहुत ही ईजी है समझने के लिए. So now we are going to see advantages and disadvantages of mesh topology. First, advantages: it can handle high amount of traffic because multiple devices can transmit data simultaneously. High amount of traffic भी रहा, अगर network की traffic ज़्यादा है तो भी इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक device जो है वो एक दूसरे से connected है और उसमें डेटा जो है वो साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट किया जा सकता है. नेक्स्ट इज अ फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट कॉज अ ब्रेक इन द नेटवर्क और ट्रांसमिशन ऑफ अ डेटा. आप यहाँ पर देख सकते हो अगर कोई भी एक डिवाइस फेल हो जाता है वर्क करने में तो वो एंटायर नेटवर्क पे कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी. नेक्स्ट इज एडिंग एडिशनल डिवाइसेज डज नॉट डिसरप्ट डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन अदर डिवाइसेज. अगर हम मेश टोपोलॉजी में, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल के लिए देख सकते हो, यहाँ पर टोटल 6 डिवाइसेस हैं. अगर हमें एक और डिवाइस इसमें कनेक्ट करना है तो वो न्यू डिवाइस बाकी डिवाइसेस के डेटा शेयरिंग में या फिर नेटवर्क शेयरिंग में कोई भी फर्क नहीं ला सकता. सो दीज आर द एडवांटेजेस. नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ मेश टोपोलॉजी. द कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट इज हायर दैन अदर नेटवर्क टोपोलॉजीज, मेक इट अ लेस डिजायरेबल ऑप्शन. क्योंकि अगर आपको मेश टोपोलॉजी यूज़ करनी है तो इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो मोस्टली लोग इसे यूज़ करने से अवॉइड करते हैं. बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द टोपोलॉजी इज़ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग. तो ये टोपोलॉजी बिल्ड करना और इसे मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो. इसीलिए मोस्टली लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम
होता है. एंड द लास्ट वन इज द चांस ऑफ रिडंडेंट कनेक्शन इज हाई विच एड्स टू द हाई कॉस्ट एंड पोटेंशियल फॉर रिड्यूस एफिशिएंसी. इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है और आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो सकती है, इसीलिए मोस्टली लोग मेश टोपोलॉजी यूज नहीं करते. सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेश टोपोलॉजी. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू.